हेलो स्टारियन, उड़ान 720 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। तो आज जो है हम पहले देखते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लेते हैं, जहां पर आपको इस तरह के बुक दिए होते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमने ले लिया लैक्टिक एसिड और इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो आपको पता है कैसे इसको सॉल्व करना है। ये जो चार ग्रुप जुड़े हुए हैं इस डायग्राम कार्बन से, आप प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग आप 1, 2, 3, 4 मार्क कर लेते हैं। अब इसमें प्रायोरिटी रूल आप लगाएंगे, नंबर वन कौन हो जाएगा, इसमें पहला आइटम ऑक्सीजन है, इसमें पहला आइटम कार्बन है, इसमें पहला आइटम कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट OH हो गया। अब इसके बाद सेकंड ग्रुप आप डिसाइड करोगे, तो इसमें पहला कार्बन, इसमें भी पहला कार्बन। अब ऐसे में जब फर्स्ट आइटम सेम हो जाता है तो हम सेकंड आइटम की ओर देखते हैं। सेकंड आइटम आप देखेंगे तो यहां ऑक्सीजन है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, 2 हो जाएगा, ये आपका 3 और ये 4। तो पहले आपने 1, 2, 3, 4 कर लिया। 1, 2, 3, 4 जो है ये चार ग्रुप जो जुड़े हुए हैं इनको सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। अब हम 1 से 2 और 2 से 3 की ओर मूव करते हैं, 1 से 2, 2 से 3। अब ऐसे हम मूव कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, इसका मतलब एस। ओके, फिर जो है आप देखते हो गोल्डन रूल, कौन सा रूल, गोल्डन रूल। अब इस गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है 4 नंबर, अगर वो हॉरिजॉन्टल पे है, 4 नंबर वाला अगर हॉरिजॉन्टल पर है, तो आप जो है जो भी कॉन्फ़िगरेशन आया है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो यहां एक्स है, अब इसको आप आर कर देंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा ग्रुप दिया हुआ है, सपोज दैट ये दिया हुआ है एच ओ एच सी डबल ओ एच और सी एस, और इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है फर्स्ट और सेकंड, ये आपका फर्स्ट या ए और ये बी। अगर इनमें पूछा जाए ये एनसीओमर होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो सबसे आसान तरीका है इनका कॉन्फ़िगरेशन निकाल देना। हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं, अगेन ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4। 1 से किधर चलेंगे आप, 2 की तरफ, 2 से 3 किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आर। अगेन आप कौन सा रूल याद करेंगे, गोल्डन रूल। अब यहां देखेंगे 4 नंबर वाला कहां पे है, वर्टिकल पे, तो वर्टिकल पे है तो कोई चेंज नहीं करना है, आर का आर ही होगा ये। अब ये कॉन्फ़िगरेशन इसका भी आर, इसका भी आर, दोनों आर है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल, तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। आप देखें इस पे इंटरचेंज करें, अगर आप इसका एक इंटरचेंज कर दें इस तरीके से, ये OH यहां आया, ये COH यहां आया, ये H यहां आया, ये CH3 यहां आया, फिर दूसरा इंटरचेंज आप करते हैं, ये OH यहां आया, ठीक है, ये CH3 यहां, ये एच यहां, ये COOH यहां, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरचेंज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिक तरीका आपको समझ में आ गया, क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन निकाल देना है आर और एस, और अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। अगर एक आर होता और एक एस होता तो इनेंसियोमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनेंसियोमर।